दोस्तों, बेंटन यूनिवर्स का सबसे कंट्रोवर्शियल एलियन अगर कोई है तो वो है एलियन एक्स। हम में से ज्यादातर लोग एलियन एक्स को सबसे पावरफुल मानते हैं, लेकिन इतनी शक्तियों के साथ कुछ परेशानी भी जरूर आती है। और आज हम पर्टिकुलरली सेलेस्टियल सेपियंस यानी कि एलियन एक्स के स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग सोचते होंगे, अर्थ हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अर्थ तो बस एक छोटे से सोलर सिस्टम का एक छोटा सा प्लैनेट है। अब सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में है, जो कि खुद कई मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी में फैला हुआ है। बिल्कुल मिल्की वे के ही तरह हमारे पास में मौजूद है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और इन्हीं दो गैलेक्सीज की तरह करोड़ों गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स को बनाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कई यूनिवर्सेस मिलकर मल्टीवर्सेस को बनाते हैं, और इन सभी चीजों को मिलाकर बनता है ओमनीवर्स। अब दोस्तों, इसी ओमनीवर्स के आगे है इन्फिनिटी, और इसी इन्फिनिटी की एक पर एलियन एक्स की स्पीसीज पैदा होती है। एलियन एक्स को सेलेस्टियल सेपियंस भी कहा जाता है। इन सेलेस्टियल सेपियंस के घर को लिटरली फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहते हैं, यानी कि यहाँ मौजूद जो एलियन एक्स है वो केवल सोचकर चीजों को बना सकते हैं। वे अपने मन मुताबिक यूनिवर्सेस को बना या फिर खत्म कर सकते हैं। अब सेलेस्टियल सेपियंस बेसिकली गॉड्स है, और इनके इस घर में कोई नहीं जा सकता। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। अब यार, फोर्ज ऑफ क्रिएशन क्रोनो रैंडमाइजेशन बैरियर से ढका हुआ है, यानी कि टाइम को अल्टर करने वाली एक टेक्नोलॉजी ने फोर्ज ऑफ क्रिएशन को हर तरह की स्पीसीज से छुपा कर रखा है। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स के अलावा कोई भी अपने मन मुताबिक यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकता। पैराडॉक्स ने मैप ऑफ इन्फिनिटी नाम की एक चीज क्रिएट की थी, ताकि उसके अलावा कोई और भी फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जा सके। अब मैप ऑफ इन्फिनिटी को एक की तरह समझ लिया गया, जो कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन का दरवाजा खोलती है। बेन 10 के एक एपिसोड में पता चला था कि प्रोफेसर पैराडॉक्स और एलियन एक्स के बीच अच्छे रिश्ते नहीं है। एलियन एक्स साफ तौर पर प्रोफेसर पैराडॉक्स को पसंद नहीं करते, और शायद इसीलिए क्योंकि इसकी स्पीसीज को टक्कर देने वाला भी कोई इंसान मौजूद है। प्रोफेसर पैराडॉक्स और एलियन एक्स के बीच एक समझौता हुआ था कि वो कभी भी फोर्ज ऑफ क्रिएशन में कदम नहीं रखेगा। ये शायद इसीलिए हुआ था क्योंकि पैराडॉक्स ने मैप ऑफ इन्फिनिटी का आविष्कार किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये आता है कि एलियन एक्स की स्पीसीज बनती कैसे है। हमें पता है कि एलियन एक्स का भी एक डीएनए होता है, तभी तो उसकी स्पीसीज का एलियन बेन के ओमनीट्रिक्स में भी मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि जब एक मेल एलियन एक्स और एक फीमेल एलियन एक्स आपस में अपनी शक्तियां शेयर करते हैं, तब जाके एक न्यू एलियन एक्स का जन्म होता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। अब एक बेबी एलियन एक्स को भी पूरी तरह से अडल्ट बनने में कई हजार साल लग जाते हैं। आपने फोर्ज ऑफ क्रिएशन वाले एपिसोड में नोटिस किया होगा कि जितने भी एलियन एक्स वहां पर मौजूद थे, वो बिल्कुल शांति से एक ही जगह बिना हिले डुले खड़े थे या उड़ रहे थे। अब शायद उड़ ही रहे थे, चलो जो भी है। अब एलियन एक्स के अंदर दो पर्सनालिटीज होती है, एक तो लव और कंपैशन को सपोर्ट करती है, और एक जो गुस्से और लड़ाई को सपोर्ट करता है। अब जब तक ये दोनों पर्सनालिटीज एक मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते, तब तक एलियन एक्स कुछ भी नहीं कर सकता, यानी वो अपने किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसी तरह ये अंदर ही अंदर कई हजार सालों तक बहस करते रहते हैं, और वहीं इनकी बाहरी बॉडी बिना हिले ऐसे ही पुतले की तरह हवा में उड़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा सभी सेलेस्टियल सेपियंस के साथ सच नहीं है। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल सेपियंस हैं जो अपने डिसीजन एक झटके में ले सकते हैं। यही सेलेस्टियल सेपियंस दुनिया के कायदे और कानून की रखवाली करते हैं, और देखते हैं कि सारी चीजें ऑर्डर में हो रही है या नहीं। अब टाइम और रियलिटी का सेलेस्टियल सेपियंस पर कोई भी असर नहीं होता। एक बार अपना निर्णय लेने पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये नहीं कर सकते। ये वक्त को रोक सकते हैं, ओमनीवर्स के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, और तो और अपनी हाइट को इनफाइनाइट रूप से लंबा कर सकते हैं। और ये सारी चीजें तो सेलेस्टियल सेपियंस की छोटी सी शक्तियों में ही आता है। अब किसी भी तरह की गन या पावर सेलेस्टियल सेपियंस की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब एक सीन में तो हमने ये तक सुना था कि वो चाहे तो एक झटके में पूरी की पूरी स्पीसीज जैसे कि डायनासोर्स को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन सेलेस्टियल सेपियंस की ये दोनों पर्सनालिटीज इतनी ज्यादा अलग है कि ये मुश्किल से ही किसी डिसीजन पर एक दूसरे से एग्री करते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेशली एलियन एक्स की बात करते हैं। अब दोस्तों, पहला सवाल तो ये आता है कि एलियन एक्स जैसे ताकतवर एलियन का डीएनए ओमनीट्रिक्स में आया कैसे। अब जैसे कि हम सबको पता है कि ओमनीट्रिक्स इसीलिए बनाया गया था ताकि वर्ल्ड की हर एक स्पीसीज को जिंदा रहने का मौका मिल सके। अब अगर गलती से कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ओमनीट्रिक्स की मदद से उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में एजमत हमेशा से ही सेलेस्टियल सेपियंस के बारे में जानता था। वो ये भी जानता था कि इन एलियन से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है,
अब अगर वो सेलेस्टियल सेपियंस का डीएनए कलेक्ट कर लेता तो उसे शायद किसी भी दूसरे एलियन का डीएनए कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम वॉकर यानी कि हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने जरूर ही एजमत की मदद की होगी एलियन एक्स का डीएनए कलेक्ट करने में। और ये भी एक वजह हो सकती है कि प्रोफेसर पैराडॉक्स को सेलेस्टियल सेपियंस इतना नापसंद करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स में हमें एलियन एक्स देखने को मिला था। एक ही झटके में इस एलियन ने पूरे टूटे हुए डैम को ठीक कर दिया था। Nice. लेकिन यार अगले ही पल में वो एक पुतले में बदल जाता है और इसी एपिसोड में हम पहली बार सेरेना और बेलिकस से मिलते हैं। अब दोस्तों, ज्यादातर सभी सेलेस्टियल सेपियंस के पास दो पर्सनालिटीज होती है, लेकिन एलियन एक्स के पास तीन पर्सनालिटीज है जिसमें बेन भी शामिल है। आपने नोटिस किया होगा कि इन तीनों की आवाज को मिलाकर एलियन एक्स बोलता है। अब इसी जगह पर सेरेना बेन को पहली बार बताती है कि वे लोग सबसे ताकतवर एलियन हैं। लेकिन जब तक वो दोनों बेन के डिसीजन से सहमत नहीं होंगे, तब तक बेन एलियन एक्स की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बेन किसी तरह एलियन एक्स की बॉडी से निकल जाता है और समझ जाता है कि उसका सबसे ताकतवर एलियन उसकी और उसकी दोस्तों का मौत का कारण भी बन सकती है। अब बेन 10 की पूरी सीरीज में हम देखते आए हैं कि ओमनीट्रिक्स कभी भी अपने मन मुताबिक एलियन में तब्दील हो जाता था। बहुत चांसेस थे कि बीच फाइट में ही बेन एलियन एक्स बन जाए, इसीलिए उसने अपनी अल्टीमैट्रिक्स में एक प्रॉब्लम फीड किया जिसमें दो चाबियों की मदद से ही एलियन एक्स को खोला जा सकेगा। अब हमने देखा था कि ये दोनों चाबियां केविन और ग्वेन के पास थी। जब एग्रीगोर को मैप ऑफ इंफिनिटी मिल जाती है, तब बेन एलियन एक्स की ताकत का इस्तेमाल करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर बेलिकस और सेरेना बेन की नहीं सुनते और आपस में बहस करते रहते हैं। और तब जाकर प्रोफेसर पैराडॉक्स वहां आते हैं और बेन को वहां से निकाल लेते हैं। इसी मोमेंट में हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल सेपियंस टाइम वॉकर को पसंद नहीं करते। अब दोस्तों, एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन में एलियन एक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ओमनीवर्स में हमें एलियन एक्स की फुल पावर्स देखने को मिलती है। अनहाइलार्ग नाम के एक डिवाइस की वजह से बेन का पूरा यूनिवर्स तबाह होने लगता है और तब कोई रास्ता ना दिखाई देने पर बेन एलियन एक्स में तब्दील हो जाता है। अब जब तक बेन बेलिकस और सेरेना से मदद मांगता, तब तक बहुत देर हो जाती है और बेन का पूरा यूनिवर्स तबाह हो चुका होता है। हूबहू सेम बेन का यूनिवर्स क्रिएट कर देता है एलियन एक्स उस मोमेंट तक यूनिवर्स को बना देता है जब अनहाइलार्ग एक्टिवेट हुआ था। इस वजह से बाकी किसी को भी पता नहीं चलता कि एलियन एक्स ने एक नया यूनिवर्स बना दिया है, सिवाय दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस को और हम व्यूअर्स को। अब ये वो सेलेस्टियल सेपियंस है जो यूनिवर्स के रूल्स को काबू में रखते हैं। बेन के इस नए यूनिवर्स बनाने के आरोप में उसे यूनिवर्सल अदालत में बुलाया जाता है, जहां स्टार बियर्ड नाम का एक सेलेस्टियल सेपियन बेन पर आरोप लगाता है कि उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। और वहीं पर बेन का वकील भी सेलेस्टियल सेपियंस पर आरोप लगाता है कि उन्होंने कई बार अपने मन मुताबिक रियलिटी को चेंज किया है। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि बेन ने जो किया वो पूरी यूनिवर्स को बचाने के लिए किया है। अब स्टार बियर्ड बेन को एक फाइटिंग चांस देता है और उसे कहता है कि अगर वो गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा देगा तो वो फ्री अपने घर वापस जा सकता है। अब गैलेक्टिक ग्लैडिएटर की इस फाइट में बेन एलियन एक्स में तब्दील होता है, क्योंकि एक सेलेस्टियल सेपियंस को केवल दूसरे सेलेस्टियल सेपियन ही हरा सकते हैं। अब यहाँ पर बेन बेलिकस और सेरेना को लड़ने के लिए मना लेता है और हमें एलियन एक्स की फुल पावर्स देखने को मिलती है। अब दोस्तों, एलियन एक्स गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को हरा देता है और अपनी जान बचा लेता है। और इसके एपिसोड के बाद जब बेन एलियन एक्स की पावर्स का इस्तेमाल करता है, तब उसे बेलिकस और सेरेना की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि बेन ने उनके साथ समझौता किया था कि बेलिकस और सेरेना अपनी बहस जारी रखेंगे, वहीं बेन एलियन एक्स की नॉर्मल पावर्स का इस्तेमाल करता रहेगा। अब यहाँ पर आपके कुछ सवालों के जवाब देते हैं। ज्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि क्या एलियन एक्स सबसे ताकतवर एलियन है? तो इसका जवाब है जी नहीं। हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि यार जब बेन 10 के क्रिएटर से ये सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि एलियन एक्स से भी ज्यादा ताकतवर एलियन जल्द ही इंट्रोड्यूस होगा। अब एक सवाल ये आता है कि क्या एलियन एक्स को मारा जा सकता है? वेल, इसका जवाब है हाँ। एक सेलेस्टियल सेपियन दूसरे सेलेस्टियल सेपियन को मार सकता है। अब दोस्तों, क्या आपका फेवरेट एलियन भी एलियन एक्स है?
हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों मुझे यकीन है कि एलियन एक्स के बारे में पूरी जानकारी पाने के बाद आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप इसे लाइक किए बिना नहीं जाएंगे, है कि नहीं? लाइक कर दो यार और नीचे कमेंट बताओ कि आपको ऐसे और कौन से एलियन के बारे में जानना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहोगे। अगर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।